वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम रिलायंस पावर लिमिटेड स्टॉक के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज भी चेक करने वाले, उसी के साथ यहाँ पे रिलायंस पावर में एंट्री करने के लिए एक अच्छे पॉइंट है क्या नहीं वो भी यहाँ पे देखने वाले। तो रिलायंस पावर ने फ्राइडे के दिन 13 पे क्लोजिंग दी थी, करीब यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू देखी जाए यहाँ पे रिलायंस पावर स्टॉक की तो यहाँ पे इंसफिशिएंट डाटा की वजह से नहीं बताई गई। आरओई वर्सेस एफडी रेट की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख रहे स्टॉक ने यहाँ पे आप देख रहे बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। डिविडेंड रिटर्न की भी बात की जाए तो स्टॉक यहाँ पे अच्छा डिविडेंड नहीं देता है। और एंट्री पॉइंट की बात किया तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है, नो रेड फ्लैग्स फॉर्म, यानी कि स्टॉक या एसएम लिस्ट में भी नहीं है और ज़्यादातर प्रमोटर होल्डिंग में शेष भी प्लेज नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पावर जनरेशन का स्टॉक है और स्मॉल कैप में मुड़ता है, मार्केट कैप 4420 करोड़ का है। और रिस्क देखी जाए तो रिलायंस पावर की तो हाई रिस्क में है रिसेंटली ये स्टॉक। तो फॉरकास्ट रिपोर्ट देखा जाए तो इंसेप्शन डाटा है, होल्डिंग और न्यूज़ की भी बात की जाए तो लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हो अनिल अंबानी रिजाइन एज डायरेक्टर ऑफ रिलायंस पावर रिलायंस इंफ्रा। तकरीबन सेबी ने यहाँ पे आप देख रहे कि इनको यहाँ पे लास्ट वन मंथ के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले भी उनको सेबी ने यहाँ पे कहा था कि कोई कुछ ये नहीं करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे अनिल अंबानी कोई लिस्टेड कंपनी के साथ नहीं रह सकते, उनकी लिस्टेड हुई कंपनी नहीं रह सकती कोई भी, यहाँ पे ऐसा बात की हो चुकी थी। तो उसके बाद अनिल अंबानी खुद ने यहाँ पे रिजाइन दिया है डायरेक्टर ऑफ रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा का। तो ये थी लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलायंस पावर स्टॉक के लिए। और होल्डिंग की भी बात किया तो होल्डिंग देख सकते हो, तकरीबन रिलायंस पावर के लिए होल्डिंग देखी जाए तो प्रोमोट होल्डिंग देख सकते हो कि 24% के, पिछले 6 महीने में प्रोमोट होल्डिंग 15.92% के बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग 0.12 है और प्रोमोट होल्डिंग में शेयर भी प्लेज है जो कि बहुत ही कम है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल 3.38 है, एफआई है 4.92, पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते 66.60% की है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट रिलायंस पावर स्टॉक के लिए।